Welcome in our new video sponsored by Cooking with Mrs. Khan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को मूली का पराठा बनाना सिखाऊंगी डिफरेंट स्टाइल से, और ये झटपट बन जाएगा। बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी और ये बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। उसके लिए मैंने 1 किलो मूली ली है, उसका जो छिलका है वो रिमूव कर लिया है, और ये थोड़े सॉफ्ट वाले इसके पत्ते ले लिए हैं। ये मूली के जो पत्ते हैं इनके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, इसको भी हम इसके साथ ऐड करेंगे। मूली को जो है वो मैं इस तरह कशर की मदद से कश कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो जो है वो स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, कोई भी चीज़ स्किप ना कीजिए, ताकि आपकी जो रेसिपी है वो मुझसे भी ज़्यादा अच्छी बने। अब मैं इसको जो है कश कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। जी देखें, हमारी जो मूली है वो मैंने जो है कशर की मदद से कश कर ली है, कद्दूकश से आप जो होता है उसके इसके साथ। और ये मूली के पत्ते मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं। ये 6 से 7 हरी मिर्चें हैं, इसको बारीक चॉप कर लिया है। ये हरा धनिया है 4 टेबल स्पून के करीब, और ये 1 टीस्पून मेरे पास धड़ा मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जो है सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून नमक, और 2 टीस्पून के करीब धनिया, उसको मोटा मोटा मैंने कूट लिया है। ये हम इसके अंदर डालेंगे। और दूसरा ये कि ये हम बगैर आटा गूंदे बनाएंगे, इसको हर बंदा बना सकता है। जैसे आजकल की बच्चियां आटा गूंदने से कतराती हैं, ये रोटी उनको बनानी अच्छे से नहीं आती, तो वो भी इसको इजीली बना सकेंगी। उसके लिए मैंने लिया है ये फाइन आटा जो हम घर में यूज़ करते हैं, वो लिया है 1 प्याली भर के, उसको अच्छे से छान लिया है, और 1 प्याली ही मैंने इसमें मैदा लिया है, उसको भी अच्छे से मैंने छान लिया है। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, मैदा आटे के अंदर। और ये सर्दियों की सुगात है, सर्दियों में जो है मूली का पराठा हर घर में बनाया जाता है, तो उसके लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये हम इसके अंदर अब मूली बना डाल देंगे। और इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन प्रेस कर ले, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको वक्त पर मिलता रहे। और दूसरा जो है, बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए खाना बनाया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया ना किया करें, ताकि आप जो है एक तो रिस्क में बरकत होती है, और दूसरा अल्लाह ताला बहुत ही खुश होता है। साथ ही अब हम इसमें हरी मिर्ची ऐड कर देंगे, कोई भी चीज़ ज़ाया ना किया करें, इससे तो हमारे रिज्क में बरकत होती है और दूसरा अल्लाह ताला भी खुश होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, मसाला जार, और साथ ही हरा धनिया भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इस तरह से अच्छे से इसको स्पून से अच्छे से मिक्स कर लें। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका एक अच्छा सा बैटर रेडी कर लेंगे। और जब बैटर रेडी हो जाएगा तो आप इसमें स्पाइसेस जो हैं वो चेक कर लें, अगर आपको कोई चीज़ कम लगे तो अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें आप और भी ऐड कर सकते हो, और अगर आप कम स्पाइसेस खाते हैं तो उसके हिसाब से आप पहले से ही उसमें कम स्पाइसेस ऐड करें। तो अच्छे से हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और अच्छे से इसका घोल बनाते जाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप ज़रूर बनाइएगा। और ये जो है बच्चे बड़े बुजुर्ग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हैं। जी ये देखिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। कंसिस्टेंसी जो है इसकी इतनी ही होनी चाहिए, थिकनेस इससे ना ज़्यादा और ना ही कम। तो अब हम जो है अपने पराठे बनाना शुरू करते हैं। ये फ्राइंग पैन हमने ले लिया है, फ्लेम ऑन कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको हल्का सा ग्रीस करेंगे, इसको हम इसी पे बनाएंगे, तवे पे भी आप बना सकते हैं, लेकिन फ्राइंग पैन में ये कि ज़रा शेप जो है वो गोल बन जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से बड़े चमचे के साथ आप 2 से 3 स्पून इसमें डालेंगे तो आपका जो है पराठा इस तरह आप इसको गोल करते जाएँ। इसको जो है जो बच्चियां आजकल आटा भी गूंदना उनको नहीं आता या गोल रोटी नहीं वो बना सकती, वो भी इजीली इसको बना सकती हैं, और ये टेस्ट वाइज भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। मतलब कि बच्चे तो इसको पिज़्ज़े के तौर पे भी लाइक करेंगे। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह से हम इसकी शेप जो है वो गोल कर लेंगे। इसको 2 से 3 मिनट हम जो है एक साइड से पकाएंगे, फिर जो है 2 से 3 मिनट दूसरी साइड से। ये देखें एक साइड से हमारी वो कुक हो चुकी है, देखो इजीली ये टर्न भी हो गया है, बिल्कुल भी ये नहीं टूटा। तो इस तरह से हम अब दूसरी साइड भी इसकी कुक कर लेंगे, और हल्का हल्का जो है हम इसमें घी जो है वो ऐड कर देंगे इस तरह से साइडों से।
ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना जबरदस्त कलर आया है इसका। इसी तरह हम वो जो हल्का से हल्की सी कसर रह गई है पिछली साइड से वो भी कर लेते हैं, और इसी तरह हम सारे अपने पराठे जो है वो रेडी कर लेते हैं, फिर हम आपको जो है इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। जी ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पराठे जो हैं वो बनकर रेडी हो चुके हैं। ये जितने देखने में यमी लग रहे हैं उससे ज़्यादा ये खाने में जो है टेस्टी हैं। अगर आपको लगे कि मैंने आपको कुछ अच्छा सिखाया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से मैंने आपको बहुत ही ज़बरदस्त और चटपटी एक चीज़ बनाना सिखाई है। जहाँ भी रहें खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर हमारे घरों पर खुसूसी रहम और करम फरमाए, आमीन। ढेर सारी दुआओं के साथ अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।